तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल हैं। तो मैं हूं अमन प्रजापति और आप देख रहे हैं अपनी स्टडी। तो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो कि आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था। चलिए देखते हैं, मेरे पास सेट वन है, ये उसका प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन कोड है। तो चलिए खैर उसको छोड़िए, चलते हैं सीधा हम डिस्कसस करेंगे एमसीक्यू पे। सीधा मतलब कौन कौन सा, इधर देखिए ये कुछ है कंडीशन दिए हैं यानी क्वेश्चन दिए हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से ये हमारा हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए आंसर करेक्ट है। ओके, फर्स्ट सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए आंसर करेक्ट है। और इसके बाद चलिए इधर देखिए, इधर जो कुछ भी, इधर सब जो कुछ भी है इधर सब हिंदी में दिया। देखिए यहाँ पे हिंदी है और वही चीज़ सीधा देखिए इंग्लिश है, ठीक। और उसके बाद और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन टू है, टू में इसकी जो पूछा है मतलब द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe CO5 इज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ज़ीरो। ओके, और एमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अब चलिए क्वेश्चन फोर देखते हैं। क्वेश्चन फोर में आंसर बी है, इसमें से पूछा है द स्लोप इन द पोल ऑफ रूट ला वी टाइम ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इसमें से इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में एन अल्फा हेलिक्स इज ओ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ, ये है पॉलीपेप्टाइड का ऑप्शन बी। और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स रिकमिजेशन ऑकर इन SN1 रिएक्शन में, ये होता है, ये आंसर करेक्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं, इधर सब इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं, इसमें जो है वही चीज़ सब हिंदी में दिया है, इधर सब इंग्लिश में दिया है। तो सातवां है वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट के, यानी हेनरीज ला है उसमें KH कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर एट है, तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ KCl विच KCl विल हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कुछ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसमें HCHO हो जाएगा, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, कंपाउंड है सॉरी। और यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डो कंडेंसेशन रिएक्शन, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर करेक्ट है। ओके, और ये 13 है, 13 का आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी। और ये 14 में ऑप्शन बी करेक्ट है। और इधर बात करते हैं इधर इस साइड, तो यहाँ पे assertion एंड रीजन दिया है, तो होप कि आप लोग मतलब करेक्ट किए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं CBSE हो या UP से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।